Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Sana Fakhar Official. आज की वर्कआउट 7 मिनट की है, 7 मिनट वर्कआउट है जो कि आपके कोर के लिए है. अपनी बेली को कम कर सकते हैं इंचेस में. आप में से वो लोग जो चाहते हैं अपनी वेस्ट लाइन को कम करना, क्योंकि मोस्टली जो चैलेंजिंग होती है वो वेस्ट लाइन होती है. आपने अक्सर देखा होगा कि, बल्कि मैंने अपने काफ़ी वर्कआउट में किए हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, बेली फैट कैसे कम होगा, वेस्ट लाइन कैसे कम होगी, आप इसका बताएं. तो मेरा यही कहना होता है कि वर्कआउट कोई भी हो, आपके ओवरऑल बॉडी पे असर हो रहा होता है, बट ऑब्वियसली जो बेली फैट होता है वो ज़रा ढीट होता है, जिसका हमारी ज़ुबान में कहते हैं बहुत ढीट. तो उस पर काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है. तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा माइल जो है वर्कआउट आपके लिए डिज़ाइन किया है, और ये आपने 7 दिन करना है. एंड इट्स एवरी डे 7 मिनट वर्कआउट विच विल वर्क फॉर योर कोर, योर लाइक वेस्ट लाइन आपकी इंचज में कम करेगी, और अगर ना हो तो पैसे वापस. पहली एक्सरसाइज जो पहली मूव है वो है, और वो आपने कैरी ऑन करनी है 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट. अच्छा, लेग्स जो है, फुट जो है, आपने उसको टच करना है. लेकिन जो लोग अभी बिगनर्स होते हैं, अगर वो स्लाइटली ऐसे भी कर लेते हैं तो इट्स फाइन, बिकॉज ईच डे जब आप करते रहते हैं आप इंक्रीज करते हैं अपनी एनर्जी, अपना मेटाबॉलिज्म, और उसके अलावा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये हमने 1 मिनट तक करते रहना है. सो कीप गोइंग, डोंट स्टॉप इट इवन इफ यू टायर्ड, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगिनिंग. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन है वो बड़ी ज़रूरी है. आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको माइंड में रखें, वो डीट बेली फैट माइंड में रखें जो आपने कम करना है. इससे आपका बॉडी में कर्व आएगा, आपकी जो शेप है वो अच्छी होगी. अब हम दूसरी मूव की तरफ जाते हैं, और जो दूसरी मूव है वो भी आपने 1 मिनट तक करनी है, और हैंड्स आपने ऐसे रखने हैं. और ये आप कह सकते हैं कि जुम्बा एरोबिक्स मिक्स मूव है जो कि आपने फॉलो करनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. कभी कभी एक्सरसाइज इंजॉय करनी चाहिए. तो जो लोग बिगनर्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उससे ना कर सकें, स्लोली करें, बट कुछ भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप से दूसरा स्टेप कुछ भी इस तरह करें जिससे उनकी बॉडी राइट एंड लेफ्ट मूव करे. 60 सेकेंड तक हमने इसको करना है. और हैंड्स ये मैंने जो ऐसे रखे हैं उससे आपकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी. हैंड वन. अपनी थर्ड मूव की तरफ चलते हैं. ये भी होगी 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट तक आपने इसको करना है.
10-second break. हर मूव के बाद आपने 10-second break लेना है और आपने inhale exhale करना है, अपनी जो breathe है उसको normal करना है. चले हम अपनी अगली मूव की तरफ जाते हैं और ये भी 1 minute के लिए होगी. और जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने इनहेल एक्सहेल इन बिटवीन ज़रूर करना है ताकि अपनी आपकी ब्रीथ प्रॉपर हो जाए. ये वाली मूव मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज ज़ुम्बा में जब करती थी, बिकॉज मैंने हर तरह की एक्सरसाइज जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जब मैं ज़ुम्बा करती थी तो ये दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट. तो शुरू करते हैं. वन मिनट के लिए 60 सेकेंड हमने इसको करना है. और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस, और अगर आप सुपर कूल हैं तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्ट लाइक दैट. सो इट्स काइंड ऑफ अ डांस मूव. बहुत अच्छी कार्डियो और वेट लूज करने के लिए भी बहुत अच्छी है. बस इसके साथ आपने जो 7 days मैंने बोला है करना है, आपने चैलेंज लेके साथ में हेल्दी डाइट एंड जस्ट एक्सरसाइज, कीप डूइंग द एक्सरसाइज. हमारी 6 number एक्सरसाइज मूव है, ये कुछ इस तरह से है. ये भी एरोबिक्स में भी आती है और ज़ुम्बा में, जैसे मैंने कहा मैं करती रही हूँ. बट दिस टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपकी कोर कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, आपके कोर मसल को इंगेज रखेगा. राइट जब आप वार्म अप होके इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी जो है वो उसकी शेप आती है उसमें, यानी कि सम टाइम आप जो भी कोर की करते हैं workout. 7 moves or 7 days and 7 minutes.
एंड लकी सेवन वर्कआउट मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने इसको सिर्फ एक सेट ही कंप्लीट करना है बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर 7 मिनट वर्कआउट, बट आपने इसको 7 डेज करना है और आपकी वेस्ट जो है वो 2 to 3 inches कम ज़रूर होगी विद बैलेंस्ड डाइट। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि एक्सरसाइज आपके लिए कितनी